हेलो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 8, एक्सरसाइज 2.3, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड चेक योर रिजल्ट। इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। कैसे? जैसे हमने 2.1 में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सेम एज इट इज़ है। फर्स्ट क्वेश्चन है 3x इज इक्वल टू है 2x प्लस 18। 2x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, माइनस के 2x बराबर है 18। 2x में से 3x में से 2x गए x, x इज इक्वल टू है 18। तो x का मान आ गया हमारे पास 18। तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड है 5t माइनस के 3 इज इक्वल टू है 3t माइनस के 5। t को एक साइड में लेके आएंगे और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में। 5t माइनस के 3t इज इक्वल टू है माइनस के 5। 3 राइट हैंड साइड में जाके जमा का हो गया। तो ये हो गया हमारे पास 2t माइनस के 2। t की वैल्यू निकालनी है हमने माइनस के 2। ये यहाँ पे मल्टीपल है तो इस साइड में जाके डिवाइड, ये इससे कट गया। तो t का मान कितना आ गया? माइनस के 1। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, 5x जमा में 9। तो ये लिख दिया मैंने 5x जमा में 9, और राइट हैंड साइड में है 5 जमा में 3x। 5 जमा में 3x, x वाली टर्म को एक साइड में करेंगे, 5x माइनस के 3x, राइट हैंड साइड में 5 एज इट इज, 9 हो गया माइनस का। तो यहाँ पे 5 में से 3 गए 2x माइनस के 4। तो एक्स इज इक्वल टू है माइनस के 4, 2 से डिवाइड हो गया, तो कितना हो गया? माइनस के 2। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है 4z+3 इज इक्वल टू है 6+2z। ये देखो इसमें, तो इसमें जेड की टर्म एक साइड में करेंगे, 4z माइनस के 2z इज इक्वल टू है 6, 3 माइनस के हो गए। तो यहाँ पे बच गया 2z और यहाँ पे बच गया हमारे पास 3। z की वैल्यू निकालनी है हमने, 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा इसमें आके। तो ये इसका आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है 2x-1 इज इक्वल टू है 14-x। एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में, कॉन्स्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में। 2x+x ये पॉजिटिव हो गया इस साइड में, ये एज इट इज ये पॉजिटिव हो गया। 3x, 2 जमा के 1 भी जमा का, 3x 14 और 1 15x बराबर है 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे 5। तो कितना आंसर आ गया? इसको डिवाइड करेंगे हमें 5 आंसर आ गया। इसका क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है 8x+4x-1+7। ये देखो, 8x+4 = 3 की गुणा करो पहले अंदर, x+4 3 की गुणा करेंगे अंदर, 3x-3 = 7। अब x की जो टर्म है उसको एक साइड में, माइनस के 3x माइनस के 3 एज इट इज जमा के 7, 4 भी माइनस का हो गया। तो 8x में से 3x गया, 5x बराबर है, देखो 3 और 4 7, माइनस के 7 प्लस के 7 तो 0। x की वैल्यू कितनी होगी? 0/5। तो आंसर कितना हो गया इसका? 0। तो ये 6 क्वेश्चन आपने करने हैं। बाकी इसमें 5, 4, 6 पार्ट और हैं, वो आपको नेक्स्ट टाइम कराए जाएंगे। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन थोड़े लेंथी थे इसलिए वो मैंने छोड़ दिए। या एक्सरसाइज पहली जो एक्सरसाइज है यानी कि 2.1, उसके लगभग सेम है इसलिए ये क्वेश्चन करवाए हैं। तो ये क्वेश्चन आपने करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।